तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे फ्री फायर के न्यू यानी कि OB45 अपडेट के बारे में। तो पहला अपडेट ये होने वाला है कि जब हम पहले गेम में व्हीकल चलाते थे तब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अपडेट के बाद हमारे व्हीकल्स के अंदर ऑटो पायलट वाला मोड आने वाला है। पहली बार देख के मुझे लगा कि गाड़ी पूरी ही ऑटोमेटिक चलेगी, यानी कि अपने आप मुड़ेगी, अपने आप चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ रेस ही ऑटोमेटिक होने वाला है, यानी कि गाड़ी की स्टीयरिंग हमें अपने हाथ से मोड़नी पड़ेगी। तो यह अपडेट अच्छा है, लेकिन इतना भी यूज़फुल नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो हमारा दूसरा अपडेट होने वाला है कि गेम के ओपन मैप में हमें कई जगह पर ऐसे कैरेक्टर शो होते हुए दिखेंगे, उसे यूज करने पर हमें ओपी लूट मिलेगी, यानी कि गन्स, वेस्ट और कॉइन्स। ये कैरेक्टर मैप में बहुत सारी जगह पर मिलेंगे, तो अगर आप उनके पास जाएंगे तो ओपी लूट ले सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट अपडेट होने वाला है कि एक न्यू फीमेल कैरेक्टर गेम के अंदर आने वाला है और उसकी एक्टिव एबिलिटी होने वाली है। तो उसकी एबिलिटी कुछ जादू ही तरीके की होने वाली है, क्योंकि हम गेम में जैसे ही अपने टीममेट के पास जाएंगे तब इस कैरेक्टर की एबिलिटी यूज़ करने का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही हम यूज़ करेंगे हमारे और हमारे टीममेट के बीच में एक बॉन्ड दिखेगा जो कि किसी इलेक्ट्रिक वायर की तरह होगा, और इससे अगर आपके टीममेट की लो हेल्थ है तो उससे HP रिकवर हो सकती है। ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है सिर्फ और सिर्फ कैंपस के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट बिग अपडेट होने वाला है सोशल जोन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड होने वाली है, जैसे कि ये फाउंटेन और बहुत कुछ। और जैसे कि पहले हम लोग सोशल जोन के अंदर रेस खेलने के लिए जाते थे तो हमें गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम रेस ट्रैक की तरफ जाएंगे तो हमें टेलीपोर्ट वाला ऑप्शन मिलेगा और गाड़ियाँ चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। हम अपने मन से कोई भी गाड़ी चूज़ कर सकते हैं और गेम के अंदर रेस करके बहुत सारे मज़े कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि सबको पसंद आने वाला है, क्योंकि हम 2.5 साल से एक ही बोरिंग स्पॉन आइलैंड पर खेलते हैं, लेकिन अपडेट के बाद हमारा स्पॉन आइलैंड कुछ ऐसा दिखेगा जिसे देखकर शायद बहुत सारे पुराने प्लेयर्स की यादें ताज़ा होने वाली है, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि हमारा पुराना वाला पिक होने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसे वापस देखकर आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपको भी इनमें से कोई भी एक अपडेट अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिनको भी ये लास्ट वाला अपडेट पसंद आया वो लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओल्ड पिक स्पैम कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अपडेट अभी ख़त्म नहीं हुए। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि एक वीडियो में सारे अपडेट तो नहीं दिखा सकता। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।